नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पंचायत चुनाव को देखते हुए रांची जिला प्रशासन अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगी है। पहले चरण में रांची के 4 प्रखंड बुंडू, तमाड़, सुनाहातू और राहे में पंचायत चुनाव होने हैं। पहले चरण के अंतर्गत 14 तारीख को चुनाव होना है। उससे एक दिन पूर्व 13 तारीख को पार्टी को सुबह 6 बजे से डिस्पैच किया जाएगा, जहाँ विभिन्न प्रखंडों में कुल 648 बूथ बनाए गए हैं और हर पोलिंग पार्टी में 4 लोग रखे गए हैं। साथ ही 100 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को भी लगाया जाएगा। रांची के उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने रांची के मोरहाबादी स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश दिए। जो पहला हमारा चरण है वो अभी 14 तारीख को पोलिंग होना है और उसके लिए 13 तारीख को पोलिंग पार्टी डिस्पैच होंगे। डीसी सर के द्वारा ये निर्णय ले लिया गया है और जिसको कि हम लोगों ने स्टेट इलेक्शन कमीशन में फिर सूचना दे दी है कि जो हमारी पार्टीज डिस्पैच होंगी वो यहाँ मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम से डिस्पैच किया जाएगा। पार्टीज़ को सुबह 6 बजे से पार्टीज़ को डिस्पैच करने की कार्रवाई की जाएगी और यहाँ पे हम लोगों ने आज आके पूरा चेक किया है कि कहाँ पे पोलिंग पार्टीज़ को बैठाया जाएगा। उनको ब्लॉक वार हम लोग पोलिंग पार्टीज़ को यहाँ पे बैठाएंगे, यहीं से सामग्री भी उनको दिया जाएगा और इसके जो फुटबॉल स्टेडियम है इसका दूसरा जो पार्ट है वहाँ पे बैलेट बॉक्स को उनको हस्तांतरण किया जाएगा और वहीं से उनको फिर बैलेट पेपर भी दिए जाएंगे। साथ साथ में पोलिंग पार्टीज के जाने के लिए जो व्यवस्था रहेगी कन्वेंस की उसका भी यहीं से इंतजाम किया जा रहा है और ट्रांसपोर्ट सेल जो है वो अपने जितने भी व्हीकल्स हैं उनको यहीं पे पार्क करवाएंगे और यहीं से पोलिंग पार्टीज़ को रवाना भी किया जाएगा। इसके अलावा भी जो पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स हैं, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को भी साथ में यहाँ से रवाना किया जाएगा, उनकी भी ब्रीफिंग की जाएगी और उनके जो सामग्री दी जाती है रिजर्व बैलेट बॉक्स के साथ में वो उनको यहाँ से देते हुए उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। किस डेट को करेंगे? हम लोग पहले चरण का जो डिस्पैच है वो 13 तारीख को डिस्पैच होगा और हर एक चरण का हमारे जो डिस्पैच है वो एक दिन पहले डिस्पैच किया जाएगा ताकि जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो शाम में ही पहुँच जाएँ और अगले दिन जो सुबह समय पर हम लोग अपना चुनाव स्टार्ट करवा सकें। पहले दिन हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले चरण में 648 हमारे बूथ्स हैं। 648 बूथ्स में जो पोलिंग पार्टीज़ हैं हर एक पोलिंग पार्टी में 4 व्यक्ति रहेंगे तो उसके हिसाब से अगर आप करके देख लीजिएगा तो करीब 2500 लोग हमारे पोलिंग पार्टीज़ वाले रहेंगे। हमारे करीबन 100 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स रहेंगे और उसके अलावा जो विभिन्न सेल चलाए जाएंगे यहाँ से कार्मिक सेल चलाया जाएगा, मटेरियल सेल चलाया जाएगा, मतपत्र और मतपेटिका सेल चलाया जाएगा। इसके अलावा भी हमारे पब्लिक रिलेशन सेल चलेंगे। उन सभी के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे उस दौरान।